बिजली कनेक्शन, बिजली कनेक्शन, बिजली कनेक्शन, पानी कनेक्शन, एसटीपी को ठीक करो, ठीक करो। आज हम यहाँ पे प्रोटेस्ट करने आए थे। हमारा बिजली का कनेक्शन नहीं है, हम कमर्शियल कनेक्शन से चल रहे हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। तो सरकारी जो बिजली है वो हमारा हक है, इसलिए हम लोग यहाँ पर आए। ये मांग तो कभी पूरी हुई ही नहीं, सोसाइटी कभी पूरी हुई ही नहीं। हमारे साथ प्रॉब्लम सबसे बड़ी बिजली की है। हम लोग यहाँ सफर कर रहे हैं बिजली का, जिसका रेट है 25 रुपए, मार्केट का रेट है 6 और 7 रुपए। और इसीलिए आज हम, जब कोई काम नहीं होता है तो मजबूर होकर हम लोगों को सड़क पर उतरना पड़ता है। आज आपने प्रोटेस्ट करा है, क्या कुछ मांग है और क्या लगता है, कितने दिन से ये मांग आपकी पहली है? ये मांग तो कभी पूरी हुई ही नहीं, सोसाइटी कभी पूरी हुई नहीं। लोगों ऑब्वियसली लोन पे है, बहुत सारी अपनी हमारी खुद की ज़रूरतें हैं। हमने फ्लैट ले लिया, पोजीशन ले लिया, बट जो बिल्डर की जो MOM होता है उसके हिसाब से कुछ भी सोसाइटी में चालू नहीं है। हम सब रेजिडेंशियल खुद ही मैनेज कर रहे हैं, आप सोच भी नहीं सकते। हम DG पे मैक्सिमम हमारा बिजली चलता है, नेट इज 25 रुपीज़। DG तो सरकार ने बंद कर रखा है, फिर कैसे चलता है? हमारे रेंट पे तो लाना पड़ेगा ना, रेंट पे तो लाना पड़ेगा। बिजली अगर कट रही है, रात रात भर नहीं रह रही है, तो किराए पे लाना तो पड़ेगा। कुछ तो करेंगे हम, कितने दिन, एक साल, एक महीने, दो महीने, कितनी गर्मियां काट सकते हैं? कब आपको पोजीशन मिले था? ये 2009 की है। उसके बाद हमारे सबके ही सबके पोजीशन, आज भी पोजीशन मिलने को रेडी है, लेकिन जितनी भी बुनियादी सुविधाएं हैं वही अवेलेबल नहीं है। हमारे साथ प्रॉब्लम सबसे बड़ी बिजली की है। हम लोग यहाँ सफर कर रहे हैं बिजली का, जिसका रेट है 25 रुपए, मार्केट का रेट है 6 और 7 रुपए, जिसके से हम लोग सफर कर रहे हैं बिल्डर। मुझे नहीं पता है क्यों नहीं देता, पर रीजन शायद ये हो सकता है कि 25 रुपए चार्ज करने के चक्कर में हम लोग 6 रुपए ना देके 25 रुपए दें, तो वो भी कोई समझदारी नहीं है। तो दिस इज नॉट द राइट वे, ही नीड टू अंडरस्टैंड एंड ही नीड टू यू नो गिव सम सॉल्यूशन टू अस, सो दैट वी कैन सर्वाइव एट लीस्ट। अदरवाइज लाइक हम लोगों को 20-20 हज़ार, 15-15, 30-30 हज़ार रुपये तक हम लोगों को बिल देना पड़ रहा है। इट इज नॉट द राइट फॉर अ मिडिल मैन, दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। मेरा नाम मंजू यादव है, सेक्टर 92 रहेजा नगर सोसाइटी। जैसा कि अभी खुशबू जी ने बताया कि सारी जो बेसिक फैसिलिटीज है उसी में हम लोग बहुत ज़्यादा झेल रहे हैं। दे हैव नॉट प्रोवाइडेड इवन द बेसिक फैसिलिटीज, और इसीलिए आज हम, जब कोई काम नहीं होता है तो मजबूर होकर हम लोगों को सड़क पर उतरना पड़ता है। तो इसीलिए हम सब यही हैं, छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर सारे लेडीज़ यहाँ पर उतरी हुई हैं। तो बस यही कि रेरा का केस हम जीत चुके हैं, लेकिन बिल्डर है ये बात करने को तैयार नहीं है। आज हार कर हम सब सोसाइटी वासी यहाँ पर आए हैं कि कुछ तो सोल्यूशन एटलीस्ट हम लोगों को मिले। सोसाइटी की हालत जो है इतनी जर्जर है कि देखने वाले को बड़ी शर्म आती है। हम लोगों ने इतना पैसा लगाकर वहाँ पर फ्लैट्स लिए हैं, क्या सिर्फ इसलिए लिया है? कुछ तो कम से कम रहेजा बिल्डर्स आकर जवाब दे, मीटिंग करे, सॉल्यूशन निकाले। वी होपिंग दैट दे विल कम एंड सॉल्व दिस। एक तो भीषण गर्मी है, ऊपर से बिजली की समस्या, कैसे कितनी समस्या देखने को मिली? देखिए समस्या आप ये लगा लीजिए कि कम से कम 20 घंटे जब DG चलेगा उसका 25 रुपए पर यूनिट हम दे रहे हैं, जबकि सरकारी रेट क्या है ये आप लोगों को भी पता है। तो कहाँ तक कितना हम लोग वो करेंगे, बियर करेंगे? तो सरकारी जो बिजली है वो हमारा हक है, इसलिए हम लोग यहाँ पर आए। आज हम यहाँ पे प्रोटेस्ट करने आए थे। हमारा बिजली का कनेक्शन नहीं है, हम कमर्शियल कनेक्शन से चल रहे हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। लाइट नहीं रहती है, हम पिछले महीने में मई मंथ में 14 लाख रुपये का डीजल फूक चुके हैं इनके कनेक्शन ना देने की वजह से। दिन में 6-6 घंटे लाइट नहीं रहती है, बहुत बुरा हाल है। जनरेटर फूकने वाला हो जाता है, लाल हो जाता है, आग लगने वाली हो जाती है। तो इसलिए बहुत परेशान है। बहुत बार इनको मिल चुके हैं, बहुत बार मेल डाल चुके हैं, रिक्वेस्ट कर चुके हैं 5-6 साल से। परमानेंट कनेक्शन के लिए हम यहाँ पे आए हैं, हाथ प्रोटेस्ट करने आए हैं। और ये अभी भी इन्होंने हमें बोला है, आश्वासन दिया है, जो वो अभी नहीं करते हैं अगले 10-15 दिन के अंदर इस पर कार्रवाई, तो फिर हम रोड पर उतरेंगे, सड़क पर उतरेंगे। चाहे हमें अपनी रोड जाम करनी पड़े, चक्का जाम करना पड़े। 650 परिवार है यार, कैसे रहें बताओ? छोटे छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, लिफ्ट इनकी चलती नहीं है, कनेक्शन इनका वहाँ पे है नहीं, पानी का कनेक्शन है नहीं, सीवर कनेक्शन है नहीं, STP चलता नहीं है। क्या करके क्या दिया, बस एक ढूंढ खड़ा कर दिया वहाँ पे। तो क्या बिल्डर के अलावा किसी प्रशासनिक अधिकारियों से या सरकार के नुमाइंदों से कोई बात हुई? नहीं, हमारी सिर्फ बिल्डर के साथ ही बात चल रही है और DHPR के साथ बात चल रही है। DHPR ने ऑलरेडी बोल चुका था हम तो तैयार है देने के लिए, रहता अपने पैसे दे तो हम कनेक्शन देने के लिए तैयार है, बिल्डर पैसे तो दे।